हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का काम कर लिया था। अब हमें डेटाबेस का डेटा उठा करके और अपने जावा के प्रोग्राम में दिखाना है। मैंने स्टूडेंट फॉर्म में जाता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यहीं पे मुझे एक डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल दिखाना है। सॉरी, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल तो .NET में होता है, विजुअल बेसिक या सी शार्प वगैरह में। यहाँ पे जे टेबल होता है, तो हम जे टेबल के माध्यम से यहाँ पे डेटा दिखाएंगे और जो डेटा जे टेबल में दिखाई देगा वो आएगा डेटाबेस से। तो इसी के लिए हमें कोड लिखना है, तो मैं अभी बंद किया है फॉर्म और स्टूडेंट डाव वाले को ओपन करता हूँ। मैं इसको मैं कर दूंगा ऐसे और यहाँ पे मेथड बनाता हूँ मैं, पब्लिक पब्लिक, और यहाँ पे लिस्ट लूंगा मैं, list लिस्ट स्टूडेंट। लेकिन ये लिस्ट बनाने के पहले मैं आता हूँ एसक्यूएल क्वेरी में। एसक्यूएल क्वेरी में मैं आ गया। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट जनरेट किया, इसको मुझे सारे डेटा तो दिखाने नहीं है, तो ये डेटा मैं हटाऊंगा, ये भी डेटा हटाऊंगा। एड्रेस आया, मैं यहाँ पे तीन कॉलम देखो है एड्रेस का। अभी मैं यदि इस कोड को अगर मैं रन कर दूँ तो आप देखोगे इस तरह से डेटा आ रहा है यहाँ पे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, समथिंग समथिंग। आप ध्यान दो यहाँ पे कि स्टेट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। एड्रेस में आपका करंट सिटी हो जाएगा या वार्ड नंबर या मकान नंबर, जो भी आप चाहे डाल दो, पिन कोड वगैरह, ये जो भी आप चाहे डाल सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक ही कॉलम में ये सारा दिखाई दे, मैं बार बार लिखने का मूड में नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन कॉल करूँगा, एग्रीगेट फंक्शन है ये, कॉनकैट कॉन कॉनकैट फंक्शन, ऐसे इसमें डाल दूंगा इसको, ऐसे इस तरह से। ये मैंने कॉनकैट फंक्शन कॉल किया। अब क्या हो गया कि ये टोटल आपस में कॉनकेटिनेट हो जाएगा, ये देख लो आपस में कॉनकेटिनेट हो गया। लेकिन ये थोड़ी दूरी बने स्टेट डिस्ट्रिक्ट एड्रेस में तो ज़्यादा मज़ा आए जो है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे कॉमा लिखा, एक कॉमा और दूंगा, इसके बीच में सिंगल कोट लगा के स्पेस दे दूंगा, और मैं इसके बीच में भी सिंगल कोट लगा के ऐसे स्पेस दे दूंगा। अब आप देखेंगे कि इसके बीच में ना स्पेस आ जाएगा, ये देखो। लेकिन ये देख रहे हो नाम बिखर रहा है पूरा, तो हमें नाम को भी सही करना है। तो नाम को सही करने के लिए यहाँ पे एज एड्रेस कर देना चाहिए, ये एलियास नेम है, एज एड्रेस। तो यहाँ पे देखो एड्रेस आ गया, इसका नेम एड्रेस हो गया और यहाँ पे आ रहा है। मैंने इंडिया ही सब में डाला था तो इसीलिए ऐसे आ रहा है। स्पेस दे करके यहाँ पे जो हम लिखते हैं, मतलब कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं, रिनेम कर रहे हैं, ये एलियास नेम इसको कहा जाता है। तो ये हो गया, डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं चाहिए, कैटेगरी हम रखेंगे। कैटेगरी रखने के बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ नहीं रखेंगे, डेट ऑफ एडमिशन नहीं रखेंगे, मोबाइल नंबर 1 नहीं रखेंगे, ईमेल भी नहीं रखेंगे हम। मतलब जो डैशबोर्ड दिखेगा स्टूडेंट का, उसमें हम बहुत सारा टोटल कंप्लीट डेटा नहीं रखेंगे। आईडी रख लेंगे, नेम रखेंगे, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर हो जाएगा, पहला मोबाइल नंबर हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा, एक कॉलम हम और रख लेंगे कैटेगरी के बाद, कोर्स। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट टेबल में कोर्स स्टोर नहीं हुआ है, बल्कि कोर्स की आईडी स्टोर हुई है और कोर्स का जो नेम है वो कोर्स का नेम स्टोर हुआ है कोर्स टेबल में। ये देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट वाले इस टेबल के अंदर ये आईडी स्टोर किया है। यदि मैं इसको भी ओपन कर लूँ इधर, तो हमने आईडी स्टोर किया है और नेम यहाँ पे बीसी है, फीस जो भी है। लेकिन स्टूडेंट वाले में हमने कोर्स आईडी स्टोर कर रखा है, क्योंकि
किधर गया, ये देख लो आप, कोर्स आईडी स्टोर कर रखा है। तो इस आईडी की मदद से हम इस नेम को फाइंड करेंगे, तो ज्वाइन क्वेरी की मदद से ये होगा। तो हम कैसे करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट टू लेफ्ट ज्वाइन कोर्स, कोर्स टेबल को ज्वाइन करेंगे ऑन, और फिर स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी इक्वल टू कोर्स डॉट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट टेबल के अंदर जो कोर्स आईडी कॉलम है वो कोर्स आईडी, और कोर्स के अंदर जो आईडी कॉलम है ये दोनों सेम है। तो हम यही कर रहे हैं कि जहां पे स्टूडेंट का कोर्स आईडी और कोर्स का आईडी मैच करे वो डेटा दिखा देने का। तो अब क्या है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैटेगरी के बाद यहाँ पे मैं कोर्स का नेम लिख रखा हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पहले इस क्वेरी को रन करूँगा। डिलीट मारा, इस क्वेरी को मैं पहले रन कर रहा हूँ, आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने रन किया इस क्वेरी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, एरर आ रहा है, कॉलम आईडी इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। इसका मतलब क्या है, आप देखो यहाँ पे जो आईडी फील्ड है वो आईडी कॉलम, सॉरी फील्ड कह रहा हूँ मैं, फील्ड भी कहते हैं कई बार, तो आईडी कॉलम जो है वो कोर्स स्टूडेंट टेबल के अंदर भी है और कोर्स टेबल के अंदर भी है। अब जो है हमारा कि कंफ्यूज हो रहा है डेटाबेस कि कौन सा आईडी यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, कोर्स का आईडी कि स्टूडेंट का आईडी। तो हमें बताना पड़ेगा इस तरह से, स्टूडेंट डॉट आईडी से, कि हम जो आईडी कह रहे हैं वो आईडी है आपका स्टूडेंट का। अब मैं करूंगा फिर से, एक एरर आ गया, नेम के लिए कह रहा है, क्योंकि नेम जो है वो स्टूडेंट के अंदर और कोर्स के अंदर दोनों है, तो यहाँ पे नेम में भी कंफ्यूजन हो रहा है इसको, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम कर देता हूँ। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब परफेक्टली हमारा काम कर रहा है, ये देख लो। लेकिन हमें कोर्स का नेम दिखाना है, तो कोर्स का नेम दिखाने के लिए हमें क्या करना है, मैं वो दिखाता हूँ आपको भी। जैसे कहाँ पे आ गए भाई, कैटेगरी है, कैटेगरी के जस्ट बाद एक कॉमा है, यहाँ पे एक कॉमा दिया, और यहाँ पे लिखेंगे हम कोर्स डॉट नेम, कोर्स नेम। अब हमारा हो गया काम, आप देखो यहाँ पे आ रहा है कोर्स, कहाँ पे आ रहा है ये देखो, नेम में आ रहा है बीसीए। लेकिन एक चीज आप देखो, यहाँ पे भी नेम आ रहा है, यहाँ पे भी नेम आ रहा है, क्या मजाक हो रहा है। तो हमें इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, कैसे, एलियास नेम की मदद से। तो एलियास कैसे दिया जाता है, एलियास नेम कैसे दिया जाता है, आप देखो यहाँ पे है, इसको कर दो एज, और यहाँ पे कर दो COURSE, कोर्स, हमने कोर्स कर दिया, अब हमारा काम हो जाएगा। ये देख लो कोर्स में आ रहा है बीसीए। तो हमने नॉर्मलाइजेशन कर रखा था, लेकिन हमने इस तरह से डेटा निकाल लिया ज्वाइन क्वेरी की मदद से। तो एक क्वेरी हमारा जनरेट होकर के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं आऊंगा जावा के अंदर, जावा के अंदर बीन के अंदर मैं आऊंगा, छोड़िए बीन के अंदर भी नहीं आनी चाहिए, मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ अब यहाँ पे। यहाँ पे आप नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डीटीओ का पैकेज बनाया मैं, DTO, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बोला जाता है इसको, DTO को। और यहाँ पे अब मैं एक क्लास बनाऊंगा, लिख दूंगा स्टूडेंट DTO, स्टूडेंट DTO कर दिया मैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर मैं उन सभी वेरिएबल्स को रखूंगा जो वेरिएबल, सॉरी जो डेटा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। तो DTO जो है, कई DTO आप बना सकते हैं जो है, जैसे स्टूडेंट, सॉरी बीन के अंदर जो था, बीन के अंदर जो स्टूडेंट बीन है वो डेटाबेस से रिलेटेड टोटल कॉलम है इसमें। लेकिन हर जगह हमें डेटाबेस में जितना कॉलम मौजूद है, सारे कॉलम को तो हर जगह नहीं दिखा सकते हम, तो इसलिए इस बीन का इस्तेमाल ना करके हम DTO बनाते हैं, और जितने कॉलम का जरूरत है उतने कॉलम का हम क्वेरी राइट करेंगे इस तरह से, और फिर उतने ही कॉलम का हम बना लेंगे स्टूडेंट DTO और अपना काम कर लेंगे, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट इसको बोला जाता है। तो मैं इंट में आईडी ले लूंगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है यहाँ पे जितने कॉलम है उन सभी के लिए मेरे को सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल बनाना है, तो मैं वेरिएबल बना करके बाकी रिज्यूम करूंगा वीडियो। तो
तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे सारे चीज़ें। मैं इसको बना देता हूँ प्राइवेट, प्राइवेट बना देता हूँ मैं इसको, और इतना बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसका क्या करूँगा, कई बार कुछ डेवलपर्स जो है इसको फाइनल भी बना देते हैं, क्योंकि इसका आईडी चेंज नहीं हो सकता इसलिए फाइनल बनाते हैं। पर मैं इतना डेप्थ कॉन्सेप्ट अभी बताऊँगा तो जो आपको आ रहा है आप वो भी भूल जाओगे कन्फ्यूजन के चक्कर में, तो इसलिए उन सब चीज़ को छोड़ो जो है इतनी डीप में न जाते हुए। मैं गेटर सेटर जनरेट कर देता हूँ यहाँ से, गेटर सेटर सेलेक्ट करूँगा ऑल, कर दूंगा जनरेट पे क्लिक, बन के रेडी हो गया गेटर सेटर। अब मैं आऊँगा स्टूडेंट डाव के पास, स्टूडेंट डाव के पास मैं आया, ये वाला क्वेरी मैंने मेहनत करके लिखा है, राइट किया है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे कंट्रोल एंटर। हाँ क्वेरी सही से काम कर रहा है, मैं फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ और पेस्ट करके छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट देखियो भाई पब्लिक, अभी मैं इसको जेनेरिक नहीं बना रहा हूँ, पब्लिक गेट डेटा, मैंने गेट डेटा ऐसे मेथड बना लिया है। लिस्ट को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर से इंपोर्ट होगा, और ई के जगह पे हम कर देंगे स्टूडेंट, हमें DTO चाहिए वाला DTO ऐसे, ये यहाँ पे ये आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिस्ट लिस्ट फिर स्टूडेंट DTO कर लिया लिस्ट्स, और फिर न्यू एरे लिस्ट, और मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब कंट्रोल क्लिक दबाओगे तो अपने यहाँ पे राइट हो जाता है, फिर रिटर्न कर दूंगा LIST लिस्ट्स, रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसके बीच में सारा कोड लिख करके रेडी करूँगा। आप जानते हैं सबसे पहले हमें कनेक्शन चाहिए होता है, तो कनेक्शन इंटरफेस में CONN कर देंगे, और फिर यहाँ पे DB कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, फिर यहाँ पे CON प्रिपेयर स्टेटमेंट हमें बनानी चाहिए, प्रिपेयर स्टेटमेंट PS इक्वल टू PS लिखनी चाहिए इक्वल टू CON डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहीं पे वो मैं SQL का क्वेरी पेस्ट कर दूंगा। कौन सा SQL का क्वेरी, जो मैंने यहाँ पे राइट किया था, पेस्ट कर दिया यहाँ पे SQL का क्वेरी, हेलो SQL का क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। आप चाहें तो इसको एंटर मार के नीचे अरेंज कर सकते हैं इस तरह से, कर दिया मैंने अरेंज, लेकिन समस्या अब ये एक है कि ट्राई केस लगाने के लिए कह रहे, एरर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे माउस ला रहा हूँ और एक कह दे रहा है सराउंड ट्राई कैच, तो मैं क्लिक कर दिया इस पे, और आप देखो अपने आप ट्राई कैच लग गया। एक कनेक्शन बना है, इसके पहले ट्राई लग गया यहाँ पे, और फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट का ये सारा लाइन लिखा, और फिर जो है यहाँ पे कैच ब्लॉक लगा है, देखो कैच ब्लॉक। तो आप चाहें तो मैनुअली लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो कोड लिखा है ये मैनुअली आप लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कोड मैनुअली आप लिख लो, आपको दिक्कत है यदि तो। मैं सिर्फ एक्सेप्शन कर देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी रहने देता हूँ उसको मैं। यहाँ तक हो गया काम, अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर इसको एग्जीक्यूट करना है, PS डॉट एग्जीक्यूट EXEQUT एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी मेरे, जब एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट सेट रिटर्न करता है हमें। अब कंट्रोल वन, यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल वन दबाऊंगा तो ये कह रहा है असाइन स्टेटमेंट लोकल वेरिएबल, जैसे ही क्लिक किया तो अपने आप जो है ये आ गया। मैं इसको RS नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा, तो इस तरह से जो है आप एक कोड लिख सकते हो। अब होगा यहाँ पे एग्जी क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब हमें चलाने हैं लूप, वाइल लूप, वाइल RS डॉट नेक्स्ट करने हैं,
आरएस डॉट नेक्स्ट, जब नेक्स्ट मेथड कॉल होता है तो यदि रिटर्न ट्रू करता है मतलब डेटाबेस में मतलब रिकॉर्ड है। अब जैसे ही नेक्स्ट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा मतलब रिकॉर्ड है, और जब ट्रू रिटर्न करेगा रिकॉर्ड है मतलब हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर जो है रिकॉर्ड को पॉइंट करने लगेगा। अब हमें क्या करना है, डेटा गेट करना है डेटाबेस में से। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें आरएस करना है डॉट, पहले मैं डीटीओ का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट डीटीओ डॉट कंट्रोल स्पेस डीटीओ इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया मतलब एक स्टूडेंट बन करके रेडी हो गया। डॉट सेट आईडी मैंने किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट आईडी के अंदर आर एस डॉट गेट इंट करनी है, और गेट इंट के अंदर पास कर देना है आईडी। ये कौन सा आईडी है, ये वाला आईडी है। फिर वैसे ही यहाँ पे फिर एंटर कर देनी है, और यहाँ पे आगे पास कर देनी है नेम, ये वाला नेम चाहिए हमें, नेम चाहिए हमें। इंट के जगह पे स्ट्रिंग करना चाहिए क्योंकि ये जो नेम है ये स्ट्रिंग के फॉर्म है, और यहाँ पे भी नेम होगा क्योंकि डीटीओ के अंदर सेट नेम मेथड है जो कि नेम को सेट करेगा। नेम के बाद हमें फादर नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीधा फादर नेम को कॉपी किया और यहाँ पे फादर नेम कर दिया, और मुझे मदर नेम चाहिए इसके बाद, तो मैं इस मदर नेम को कॉपी करूँगा यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और फिर यहाँ पे मैं कर दूँगा मदर नेम, मदर नेम हो गया मदर नेम। मदर नेम के बाद मुझे जेंडर चाहिए, तो यहाँ पे मैं जेंडर लिखूंगा गेट स्ट्रिंग जेंडर, तो ये जेंडर आ गया। मोबाइल नंबर है, यहाँ पे जेंडर के बाद मोबाइल नंबर मैं करूँगा, और इसको भी कर दूंगा मैं मोबाइल, MOBILE मोबाइल, और इसको कर दूंगा क्या मैं कैटेगरी के कैटेगरी कर दूंगा कैटेगरी कैटेगरी कर दूंगा इसको मैं, और इस वाले कैटेगरी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। हमारी काम हो चुकी है। अब आता है कोर्स, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा ऐसे, और इसको कट करके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, कोर्स हो गया, और कैटेगरी की जगह पे वही URS ही कोर्स। उसके बाद आता है एड्रेस, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एड्रेस ऐसे, और फिर इसको कर देंगे एड्रेस। ये मैं अपने मर्जी से सब लिख नहीं रहा हूँ, सेटर मेथड बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है सेटर मेथड, तो ये देखिए ये वाला सेटर मेथड, ये पूरा सेटर जो बना हुआ है इन्हीं को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब आप इतना प्रोग्राम बना लिए हो तो ये तो बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, पर ये सब आप जानते हो पहले से। एड्रेस खत्म हो गया क्या, एड्रेस ले लिया को सारा खत्म हो चुका। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, लिस्ट्स डॉट ऐड डीटीओ, ऐड हो गया, ऐड कर देंगे। हमारा काम हो गया, रेडी हो चुका है। अब 20 मिनट हो चुका है, तो हम ये तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चलेगा, परंतु एक छोटा सा काम बचता है, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे जे टेबल को डिस्प्ले करना, यहाँ पे जे टेबल ऐड करना, और उसमें डेटा को दिखाना, इन सभी डेटा को दिखाना, तो इन सभी डेटा को हम दिखाएंगे अब अगले पार्ट में। बाकी इतना आप लोग ही बनाओ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लें, यही पूरा है।
एक क्लास का कर्ली ब्रैकेट है, ये मेथड का कर्ली ब्रैकेट है। तो इतना टोटल हमने आज कोड लिखा है, इतना कोड लिखा है, बस इतने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टॉप।